हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ गाइस, रियलमी के C25i डिवाइस के बारे में। एंड गाइस, आज का अपना टॉपिक होने वाला है बबल्स फ्लोटिंग आइकॉन्स के बारे में अपन बात करेंगे गाइस। मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने डिवाइस में गाइस किस प्रकार से बबल फ्लोटिंग आइकॉन सेटिंग को ऑन करके अपने डिवाइस में यूज़ कर पाएंगे। एंड गाइस, वो किस प्रकार से काम करता है आपके डिवाइस में, पूरी जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए गाइस, बात करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं इस फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। सबसे पहले आपको देखिए सेटिंग को ऑन करना है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिलेगा ऐप एंड नोटिफिकेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको देखिए सेकंड नंबर पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको देखिए फोर्थ नंबर पे बबल का ऑप्शन मिलेगा, ऑन कन्वर्सेशन कैन अपियर एज फ्लोटिंग आइकॉन्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस टाइम आपको देखिए कुछ इस प्रकार से डेमो का ऑप्शन मिलेगा। एंड आपको सेकेंड नंबर पे शो बबल ऑप्शन आपको मिल जाएगा, अलाउ ऐप टू शो बबल। ये गाइस अपने फ़ोन के ऐप्स पे काम करता है, जैसे कि आपके फ़ोन में कोई मैसेज आ रहे हैं तो ऐप उसको जो है बबल तरीके से आपके फ़ोन में जो आइकॉन शो होगा, यानी कि आपके फ़ोन में जैसे कोई मैसेज आएंगे तो बबल जैसा रहता है गाइस, उस प्रकार से आपको यहाँ पे कुछ आपकी जो सेटिंग्स है बदल जाएगी। एंड आपको काफ़ी मस्त लुक देखने को मिलेगा आपकी स्क्रीन पे कुछ बबल टाइप का, जैसे कि आपको यहाँ पे डेमो कुछ दिख रहा होगा। इस प्रकार से आप अपने डिवाइस में उसको ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस, सेटिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।